देखें, लाहौर का वाक़या हो या कई जिस तरह आपने कहा, इस तरह के वाक़या तो हैरत होती है कि दो चार लोग, 10 लोग 20 लोग 50 लोग अगर ये कर रहे हों तो ठीक है, अगर सारा मजमा तमाशाई बनना हो तो मैं समझता हूँ कि वो अगर कोई उसको एक्सेस उस खातून तक नहीं थी लेकिन वो शामिल थे उसमें, किसी में ये नहीं था कि उसको बचाए के कर क्या रहे हो भाई, तुम दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। और फिर उसके बाद शर्म की बात है कि ये बात आ रही है कि वो खातून ऐसी थी, भाई खातून हो या ना हो ये क्वेश्चन इधर नहीं है, क्वेश्चन है कि आप क्या थे, आपने क्या करना था, ये कोई बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमें, और ये बिल्कुल इसी तरह के वो मिसाल है कि कोई चीज़ जो है रास्ते में पड़ी हो और बिल्ली जाकर उसको खाना शुरू कर दे, हमें और बिल्ली में, हैवान और कुत्ते में, उसमें हमें तो फ़र्क है, इंसान है, अशरफुल मखलूकात हैं। किसी को इल्ज़ाम देने से पहले अपने आप गिरबान में देखें हमने क्या किया। तो माशरे में इस रवैये, माशरे में रवैयों की तब्दीली की बड़ी ज़रूरत है, और उसमें सिर्फ जर्नलिस्ट या उसमें कोई दूसरा एक वो नहीं कर सकता, हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत अपना काम करे, जर्नलिस्ट अपना काम करे, उलमा अपना काम करें, सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपना काम करें, सब अपने अपने काम करें, तो फिर किधर ही जाकर जो है ये होगा। और मैं समझता हूँ कि ज़रूर इस तरह के वर्कशॉप जो चाइल्ड राइट्स पे या वुमेन बेस्ड वायलेंस पे जो हैं, जर्नलिस्ट को सेंसिटाइज करते हैं कि जर्नलिस्ट जो हैं उन पर फोकस करें इस तरह की चीज़ों के, और उसके तदारुक के लिए उसकी बुनियादी चीज़ों को छेड़ें कि इसकी बुनियाद क्या है, क्यों ऐसे रवैये में जो हैं, क्या स्कूलों में कोई ये चीज़ सिखाती है, मदरसों में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, घर में ये चीज़ सिखाई जाती हैं, थड़ों और सड़कों पर ये जब लड़के बैठते हैं उनके जहनों में उनको ये सिखाया जाता है, इन चीज़ों को जो है मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है, और सब मिल के जो है इसका तदारुक कम कर सकते हैं। जी देखिए, मीडिया का बहुत अहम किरदार है चीज़ों को बेहतर करने में, बदलने में। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मीडिया ही का किरदार है, सबका, हुकूमत का अपना किरदार है, एक घर का अपना किरदार है, लेकिन मीडिया का जो किरदार है उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर तवज्जो आपके सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी कि हम यहाँ पर सारे मिल बैठे हैं और देखें कि कहाँ पर हम असल में माशरे में गलतियाँ कर रहे हैं, किस तरह हम बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग में, किस तरह हम जो उनके लिए ये जो जराइम होते हैं, आखिर जो वो जो बचपन की जो गलतियाँ होती हैं आपकी छोटी छोटी, वो अब सानहों में चेंज हो गई हैं कि आप मतलब उनको नहीं रोका कुछ चीज़ों से, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं जिसके ऊपर आप हिल के रह जाते हैं। तो हमारे ख्याल में बच्चों के ऊपर रिपोर्टिंग करना, एहसास दिलाना कि कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं, बच्चों की जो सेंसिटिविटी है जब आप उसके लिए रिपोर्टिंग करते हैं उसका ख्याल रखना, ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है। तो बस ये तकरीब उससे मुतालिक थी कि हम सारे मिल बैठें और इस पर बात करें। सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मैंने पहली बार ऐसा कोई सेशन अटेंड किया, मेरे ख्याल से यहाँ पर होना भी चाहिए इस तरह के सेशंस, क्योंकि मज़ीद जिस तरह बच्चों का दिखाया जाता है कि बच्चों पर घर में भी वायलेंस होता है, घर से बाहर भी वायलेंस होता है, मुख्तलिफ जगहों पर होता है, स्कूल्स में होता है, हर जगह पर वायलेंस होता है, तो उस हिसाब से ना इस तरह की ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए ताकि हमें अवेयरनेस मिले कि इस चीज़ को किस तरह से हम अपने घरों से स्टार्ट करके रोक सकते हैं। तो आज की यहाँ पे जर्नलिस्टों के लिए एक मीडिया ट्रेनिंग थी, और ये मुल्की सतह के एक अदारा है वो उसने ऑर्गेनाइज़ करवाई, और इसमें जो है बच्चों के हवाले से जो रिपोर्टिंग है उसके एथिक्स और नए जो कानून बन चुके हैं बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से, उनके तहफ़ के हवाले से, उस पर जो है हमारे इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जो है मारिया ने, जो न्यूज़ टीवी न्यूज़ की रिपोर्टर्स भी हैं, उन्होंने यहाँ पर जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग दी। इसके साथ अब्दुल हई एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने कानूनी हवाले से जो है जर्नलिस्टों को बताया कि बच्चों के हकूक के तहफ़ के लिए क्या कुछ नई कानून साजी हो चुकी है, और एथिक्स को कैसे फॉलो करके मुतासर बच्चों को, ख्वातीन को जो है वो उनको इंसाफ की फरहमी में उनकी मदद की जा सकती है, और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और ख़ास तौर पर जो शनाख्त जो मुतासरा औरत या बच्ची या बच्चा है उसकी शनाख्त को छुपाना जो है बहुत लाजमी है, अगर उसको नहीं छुपाया जाएगा तो उसकी 3 साल तक पनिशमेंट भी है, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें बताएगी। आज की जो ट्रेनिंग है इससे अगर हमारे दोस्त मुस्तफीद हों तो बच्चों को, ये इस माशरे को बच्चों के लिए एक महफूज माशरा बनाया जा सकता है।
मैम सीखा तो हम लोगों ने सेमिनार्स ऐसे बहुत अटेंड किए हैं, लेकिन ये है कि इन सेमिनार्स में हमें एज अ स्टूडेंट सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये जो यहाँ पे हमें सब कुछ बताया जाता है इसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी होनी चाहिए। जैसे लॉज पास किए जाते हैं वो लॉज कैसे आगे जाएंगे, मैं तो एज अ स्टूडेंट हूँ मैम, तो मैं तो ये सब कुछ देख रही हूँ कि एज अ मतलब सेमिनार में सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये आगे से इम्प्लीमेंटेशंस कैसे की जाएंगी अभी ये हम लोगों को तो हमारे जो सीनियर्स हैं वही हमें बताएंगे, लेकिन वैसे सेशन जो था वो अच्छा रहा। आज जो हमने जो कुछ सीखा इस ट्रेनिंग से, बच्चों के जो बिल्स हैं उन पे कितने काम हुए हैं, कितने काम की ज़रूरत है, स्पेशली बलूचिस्तान में जो कुछ हैं 2016 के अभी तक उनमें तरामीम की ज़रूरत है, उनमें काम की ज़रूरत है, तो ये रिक्वेस्ट है हमारे गवर्नमेंट से और हमारे पार्लियामेंटेरियन लोगों से कि वो इस चीज़ पे काम करें, क्योंकि ये हमारी इस दौर की ज़रूरत है और आजकल की सिचुएशन में जो हम देख रहे हैं जो कुछ बच्चों के साथ हो रहा है और उन पे काम की अशद ज़रूरत है, फीमेल के साथ जो हो रहे हैं, बच्चों के साथ जो हो रहे हैं, और स्पेशली हम मतलब मीडिया पर्सन्स को ये सारा कुछ बताया कि आप लोगों ने कैसे कवरेज देनी है, और अक्सर लोगों को शिगवे होते हैं, गिले होते हैं कि मीडिया पर्सन्स जो हमारे केस को गलत तरीके से उछालते हैं, तो उसके लिए कुछ वो है लाइक एक्ट्स हैं उनको फॉलो करना लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फीमेल है अगर वो ख़ुद अपने बारे में कुछ आके मीडिया में बताना चाहे अपने चेहरे ओपन करके, नो मास्क नो स्कार्फ नथिंग, तो इशू नहीं है, अदरवाइज़ हमें ये चीज़ इजाज़त इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम किसी को सरेआम तस्वीरों के साथ एकदम से कवरेज दे दें और बता दें कि भाई इसके साथ ये सब कुछ हुआ है, उसको सनसनीखेज बनाएं, सो दैट इससे क्या होता है कि उसके फैमिली के उसके अपने बदनामी के साथ साथ उसके लिए प्रॉब्लम भी रिस्की हो जाता है। तो इस हवाले से ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और बहुत कुछ सीखने को मिला, और ख़ास तौर पे हमें भी ये लर्निंग हुई कि हम अपने प्रोग्राम्स में जाके ये बिल और ये आर्टिकल्स को डिस्कस करें, अपने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें और उनके उनको तरीके बताए हैं कि जब आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है, कहाँ जाना है, बिल्कुल भी इस चीज़ में वो हेजिटेशन फील ना करे, परेशान ना हो, क्योंकि उनकी जो केस है अभी काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है उनको कि विद इन 3 मंथ उनका केस इंशाल्लाह हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा और उनको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। क्या सीखा आपने इस ट्रेनिंग से वायलेंस के हवाले से, आजकल बच्चों के ऊपर काफ़ी तशद्दुद वगैरह के केसेस सामने आ रहे हैं, क्या सीखा, क्या किया? मैम ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, हमारे यंगस्टर्स जो हैं जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आगे अगर वो फील्ड में जाएं तो उन्हें अवेयरनेस मिले कि वो किस तरह से चाइल्ड जो अब्यूज इश्यूज़ जो हैं उनको उठाएं और उनको हाईलाइट करें कि किस तरह से इनको इनके मतलब इनको हल मिल सक इनका हल निकाल सकते हैं और इनका मतलब सॉल्यूशंस वगैरह कि किस तरह से इनको रोका जा सके।